तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं SQL सर्वर। जी हाँ, SQL सर्वर हम आपके बारे में इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और हमारे साथ जगदीप कुमार जी है जो कि SQL सर्वर की क्लासेस को ले रहे हैं। देखिए SQL सर्वर जो है अगर हम उसकी देखें तो एक बहुत बड़ी चीज है सर, ठीक है। और अगर हम MIS के पर्पस से देखें तो SQL जो है एक शॉर्ट टर्म है, मतलब तो उतना हाई नहीं। क्यों मैं बताता हूँ, SQL सर्वर क्या है? डेटाबेस, राइट। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपने पढ़ा होगा अपने IT में, वो एक डेटाबेस है। वो डेटा को स्टोर करने का, डेटा को मैनेज करने का काम करता है। ओके, एक क्लाउड बेस्ड भी होता है, लैन बेस्ड भी होता है, सर्वर होता है। जैसे कि बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं वो बनते किस पे हैं? वेबसाइट बनाने के लिए PHP होता है, नहीं तो .NET होता है। दो प्लेटफॉर्म होता है। यस सर। वेबसाइट तो हम टीवी वर्ड भी बनाते हैं, वेबसाइट तो हम नॉर्मली HTML से भी लिख देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ डायनेमिक वेबसाइट की, जैसे कि फेसबुक, जैसे कि जीमेल, जैसे कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन, वेबसाइट कम एप्लीकेशन ज्यादा। जैसे कि आप अगर मेरी वेबसाइट को देखें तो मेरी वेबसाइट क्या है? मेरी वेबसाइट जस्ट एक स्टैटिक्स वेबसाइट है, मतलब कि एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है, समझ गए? जैसे कि एक टैम्पलेट होता है, एक डिजिटल टैम्पलेट कह सकते हैं। लेकिन फेसबुक, जीमेल, यूट्यूब ऐसी वेबसाइट क्या है? ऐसी वेबसाइट, ये वेबसाइट नहीं है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। जैसे कि आप अगर बैंक में काम करने जाए तो iLoan होता है, बैंक के जो वेबसाइट होते हैं जो इंटरनेट से चलते हैं जी। एक वो जो है उसकी जो डेटा है, उसकी जो एप्लीकेशंस है, वो स्टोर होती है किसी एक अलग वेबसाइट्स में, और डोमेन और DNS मदद से हम उसको, उसकी एप्लीकेशंस को रन करते हैं। समझ आ गया? ओके। तो ये जो है या फिर एक कह लीजिए कि आपकी, आपके पास आपकी कंपनी जो है, मान लीजिए कि 500 PC है और PC डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस में है, और SQL सर्वर उन PC को मैनेज करता है। ओके। सर्वर उन PC, उनके PC के डेटा को मैनेज करता है, वो हमारा SQL सर्वर डेटाबेस होता है। मतलब कि हमारा जो सिस्टम जो है, हमारा जो सर्वर है, वो एक स्टोर होता है किसी अदर लोकेशन में, राइट। और हम यूज करते हैं किसी अदर लोकेशन में, मतलब डेटा जो होता है वो सिक्योरली स्टोर होता है एक PC में या एक सर्वर में। ओके। और डिफरेंट डिफरेंट PC उसको एक्सेस करते हैं, उसमें से डेटा को लेते हैं और डेटा को डालते हैं, राइट। इससे आप बोलेंगे सर अगर बुक को देखें या बहुत सारे और यूट्यूब वीडियोस देखें तो पूरा डिजिटली उसको समझाया जाता है कि सर्वर बनाना होता है, ठिकाना होता है। लेकिन मैं चीज क्यों नहीं बता रहा? क्योंकि हमें सिंपल तरीके से समझना है जी। आप समझ गए? जी जी। उनकी लैंग्वेज की तरफ नहीं जाना है, क्योंकि हमें कोई एग्जाम नहीं देना है जी। वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव लिखना होता है, हमें इसको यूज करना है। तो सिंपल सी बात समझ जाइए, SQL के दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है डेस्कटॉप एप्लीकेशन, मतलब कि आपकी जो डेटा है वो डेटा स्टोर है एक अलग PC पे या सर्वर पे। PC को भी सर्वर बनाया जा सकता है, सर्वर एक तरह से PC होता है। ओके। आप लोगों को उसका एक एक्सेस दे दिया गया है, आप वहां पे जाते हैं, डेटा को लेते हैं, डेटा को रखते हैं। जैसे कि पुराने जमाने में खजाना होता हुआ करता था, तो खजाना में क्या होता था कि जो राजा होते थे वो खजाना को, हर किसी को खजाने के अंदर नहीं जाने देते, जो रेवेन्यू असूल आती थी उस रेवेन्यू को खजांची क्या करता था कि एक उनका एक होता था पाइप सिस्टम होता था, मतलब कि एक खिड़की होता था, खिड़की में जाते थे और उसको हिल देते थे, मतलब कि उसको डाल देते थे जी। खजाने की गेट तब खुलती थी जब हमें उस खजाने में से कुछ को निकालना होता, खजाना निकालना होता, अदरवाइज खिड़की से ही सारे दे जाते थे। क्यों? क्योंकि हार उनके जो बहुत सारे, अब मान लीजिए इतने बड़े मगध साम्राज्य की देख लीजिए, इतने बड़े साम्राज्य की क्या एक सेना तो नहीं कर पाती थी कलेक्शन? बहुत सारे सैनिक थे, और बहुत सारे सैनिक को अगर हम खजाने की चाबी दे दें और खजाने के अंदर एंट्रेंस दे दें तो क्या होगा?
उन सबों की नियत बिगड़ सकती है ना। जी जी जी। इसलिए उनको एक छोटा सा खिड़की दिया जाता था, बस पोटली लेते थे और पोटली को डाल देते थे। जो खजाना के अंदर काम करने वाले जो मेंबर होते थे, जो ऑथराइज होते थे, वो उस पोटली की देखभाल करते थे और खजाने को मेंटेन करते थे। अब मैं ठीक और बढ़ा रहा हूँ, सिंपल सी चीज समझ जाइए। आपका डेटाबेस, आपका डेटाबेस का जो है, आपके जो डेटाबेस ऑपरेटर होंगे दो तीन, वो उसको मैनेज करते होंगे, राइट। बाकी आप जैसे लोग हैं और आप जैसे और भी जो रिपोर्टिंग वाले रोल्स है, उनको उन्होंने क्लाइंट सर्वर दे दिया, मतलब कि खिड़की दे दिया, ठीक है, कि अपना ऑथराइजेशन वहां पे डालेंगे और वो डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। और आपकी खिड़की को जो ऑथराइज किया गया, जैसे कि सिर्फ लेना है डेटा या देना है डेटा, आप उसी पर्पस की ट्रांजेक्शन को कर सकते, बाकी चीजें ट्रांजेक्ट नहीं कर सकते। राइट सर, राइट सर। आप अपने डिपार्टमेंट की, क्योंकि आप जो एडमिन है, एडमिन ने जो आपका यूजर क्रिएट किया है, उसमें आपके राइट्स को डिफाइन किया हुआ कि इस डेटा पे क्या क्या राइट्स है आप। जी जी, समझ गए? समझ गया सर। अब दूसरी चीज है कि सर्वर दो तरह की होती है, एक तो सर्वर होता है, एक होता है लोकल होस्ट। अभी जो मेरा स्कूल सर्वर देख रहा है, ये लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट मतलब समझते क्या होता है, कि मेरा सर्वर मेरे ही पीसी पे सेव है। जी हाँ। इसलिए कोई अथवा पर्टिकुलर सर्वर डिफाइन नहीं किया, दैट को लोकल होस्ट। डन, समझ गए। अब इसमें सर्वर में दो चीजें होती है, तीन चीजें होती है, डेटा एनालिसिस सर्विस, रिपोर्टिंग सर्विसेज और इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन सर्विसेज। अब जब आपने डेटाबेस को जब इंस्टॉल किया था, आपने कौन सा पैकेज इंस्टॉल किया है उस पर डिपेंड करता है। तो मैंने यहाँ पे डेटाबेस इंजन को इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। हर सर्वर का एक नेम होता है, एक पीसी में कई नाम के सर्वर हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही सर्वर होगा। तो आप कौन पर्टिकुलर सर्वर लेना है, अब आपको नाम याद है तो यहाँ पे टाइप कर दीजिए, अदरवाइज ब्राउज फूड मोड पे जाए। और डेटाबेस इंजन है मेरा, डेटाबेस इंजन में कौन सा है, ये आपका पूरा ये जो डेस्कटॉप और दिख रहा है स्लैश आईपीटी, आईपीटी हमारा सर्वर नेम हुआ, और जो डेस्कटॉप स्लैश NS5Q35 के जो दिख रहा है, ये हमारा पाथ हुआ, मतलब कि पीसी नेम या आईपी एड्रेस जो कर लीजिए। अब बोलेंगे कि मैं खोल क्या रखा हूं, ये है हमारा SQL सर्वर डेटाबेस मैनेजमेंट स्टूडियो। हेलो, हाँ जी, अनिल से सुन रहा हूँ। तो आपने जो SQL सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, जैसे मैंने पूछा, हाँ जी इंस्टॉल है ना आपके सिस्टम में? हाँ जी, हाँ जी है, डेटाबेस इंजन है उसमें भी। तो आप देखिए, डेटाबेस अलग है, मैनेजमेंट स्टूडियो अलग है। जैसे मैंने बोला ना आपको कि आपको डेटाबेस में, डेटाबेस अगर आपने बना लिया तो उसके मेंटेनेंस के लिए स्टूडियो चाहिए होगा, राइट। कि आप देखोगे कि मेरे पास सर्वर जो है, SQL सर्वर जो है, यहाँ पे SQL सर्वर नंबर 2017 है, लिख रहा है आपको जी, पर मैनेजमेंट स्टूडियो हमारा 18 है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग पार्ट है। 2017 का पैकेज अगर डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं तो उसमें स्टूडियो और दोनों एक ही है, बट 2017, 19, 18 जो आया हुआ है उसमें इन सबको अलग अलग कर दिया। ओके, मेरे पास 12 है सर। कोई बात नहीं, वर्जन से कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ फीचर्स चेंज हुए हैं। ओके, तो जब मैनेजमेंट स्टूडियो ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको बोलेगा कनेक्ट द सर्वर। हमने यहाँ पे डेटाबेस इंजन लिया, अपने सर्वर का नेम दिया और यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशंस में हमने यहाँ पे विंडो ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट कर लिया। ऐसा क्यों? देखिए, मेरा लोकल होस्ट है, मैंने क्या बोला आपको, लोकल होस्ट है। लोकल होस्ट क्या होता है कि मेरा सर्वर मेरे सिस्टम में, बात समझ गया? जी हाँ, समझ गया। तो इसमें विंडो ऑथेंटिकेशन के अकॉर्डिंग चल जाएगा, या फिर हमने इंस्टॉल करते समय ऑथेंटिकेशंस में, मतलब यूजर पासवर्ड में हमने क्या ले लिया था, हमने ले लिया था विंडो ऑथेंटिकेशंस। तो जो विंडो के मतलब की जो एक्सेल की जो ये है पासवर्ड है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है, सॉरी जो हमारा विंडो का पासवर्ड है, विंडो के जो ऑथेंटिकेशन की है उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। पासवर्ड देने की जरूरत इसमें नहीं है, बट लेकिन आप अपने ऑफिस में यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे SQL सर्वर ऑथेंटिकेशंस में आपको यहाँ पे लॉगिन एंड पासवर्ड देना पड़ेगा।
आपके उस समय आपके सिस्टम पे क्या होंगे, क्लाइंट सर्वर, मतलब सर्वर का क्लाइंट होगा, क्योंकि सर्वर को एक्सेस करने का एक पाथ जनरेट होगा। मतलब पीसी में, हर पीसी में आपको एसक्यूएल सर्वर नहीं होता है, ये मैनेजमेंट स्टूडियो होता है, मतलब क्लाइंट सर्वर होता है, समझ गए? ठीक, की डेटा सर कनेक्ट करता है। हमने यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक किया, एनओ पे, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेगा, तो डेटाबेस एंड नेटवर्क के अकॉर्डिंग टाइम लेगा। ये आपके सामने आ गया, अब वो ए आया आपका, या आपका SQL सर्वर नेम आ गया। इसमें दो चीजें, कनेक्ट, यहाँ पे कनेक्शंस, कनेक्शन को ब्रेक करना है, और यहाँ पे आपको रिफ्रेश करना है, तो रिफ्रेश का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया। अब इसे प्लस क्लिक करेंगे तो इसके पार्ट है, जैसे डेटाबेस, सिक्योरिटी, सर्वर ऑप्शंस, रिप्लिकेशंस, पॉलीबेस, मैनेजमेंट और इवेंट पोर्टफोलियो। अब इसमें समझ जाइए क्या है, डेटाबेस में तो आपके डेटाबेस, जो भी डेटाबेस होगी वो सारे, सिक्योरिटी में आपकी इस डेटाबेस से रिलेटेड लॉगिंग, लॉगिंग डिटेल में कि जब आप लॉगिंग करते हैं तो कब लॉगिंग किया। सर आपकी स्क्रीन चली गई आपकी, सर आपके आंसर प्रॉब्लम है, आपके इंटरनेट स्लो चल रहा है, आपकी वॉइस। हां जी हां जी, करेंगे तो शेयर स्क्रीन शेयरिंग। देख लीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ जी हाँ जी, कंटिन्यू करें आप, ये नेटवर्क ठीक करेंगे आप? अभी कनेक्ट तो हो गया, लेकिन आ रहा है कि आपका नाम हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, सुजीत कुमार हैज स्टार्ट स्क्रीन शेयरिंग। आपके यहाँ से प्रॉब्लम है जी? प्रॉब्लम तो यहीं से होगी, दिख रही है स्क्रीन। तो यहाँ पे आपकी लॉगिन डिटेल्स होती है कि किस किस ने लॉगिन किया है, कौन कौन इसके लॉगिन परमिशंस है, ये लॉगिन सिक्योरिटी डिटेल्स यहाँ पे आती है, ठीक है, सर्वर रूल्स, रूल्स वगैरह क्या है, ये चीजें भी होती है इसमें। उसी तरीके से यहाँ पे सर्वर ऑब्जेक्ट है, बैकअप है, लिंक सर्वर है, टिकर क्या क्या है इसमें, तो ये चीजें दिखेगी आपको। लोकल सब्सक्रिप्शन में कौन कौन है वो यहाँ पे लोकल सब्सक्रिप्शन में दिखता है, हालांकि कुछ अभी इसमें बना नहीं है, इसे कुछ यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और ये आपका इवेंट पार्टिकुलर होता है कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। देखिए फिलहाल ऐसा कुछ इसमें हुआ नहीं है, इसका हम आगे डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं हम डेटाबेस। ठीक है सर, डेटाबेस में ऑलरेडी मेरे पास दो डेटा, देखिए इसमें क्या होता है, जैसे आप एक्सेल फाइल बनाते हैं जी, फिर उसके अंदर शीट्स बनाते हैं, ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि पहले बनता है डेटाबेस और उस के अंदर बनते हैं टेबल्स, और जो डेटा एंट्री होती है वो टेबल्स में जी, और जरिए हम उसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ क्यूरी दिख रहा है आपको, इस क्यूरी के जरिए एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। अब जरूरी इसमें भी दो है, एक आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है और दूसरा आपका कैरेक्टर यूजर इंटरफेस है। मतलब कि यहाँ पे आप तो एक ग्राफ, मतलब कि माउस से भी काम कर सकते हैं और आप अपने ग्राफिक इससे भी क्यूरी के से भी काम कर सकते हैं, क्यूरी मतलब कैरेक्टर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुझे इसका इस डेटाबेस टेबल में मुझे टेबल को देखना है, तो टेबल देखने से पहले आप इसकी कॉलम्स की हेडिंग दे सकते हैं, कॉलम कौन कौन से, इसमें नेम है, सिटी है और अमाउंट है। अब यही पे चेक कर सकते हैं कि कितने है। इसमें कोई यूनिक की डिफाइन है? नहीं, कोई यूनिक की डिफाइन है, कोई कॉन्स्टेंट है? नहीं, कोई कॉन्स्टेंट नहीं है। तो हमने क्या किया, राइट क्लिक किया और सिलेक्ट टॉप 1000 को सिलेक्ट कर लिया, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मुझे डेटाबेस दिख जाएगा, ऑटोमेटिकली क्यूरी रन हो जाएगी और यहाँ मुझे टॉप 1000 जो है डेटा दिखा देगा आपके सामने। क्वेश्चन है, यहाँ से कौन ने किया है, ये सब डेटा है,